पूरे देश में ज्ञानवापी परिसर को लेकर के चर्चा चल रही है। हालांकि कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष अपने दावे रख रहा है, हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन ऐसे में जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वो कई सारे सवालों को भी खड़ा कर रहे हैं। यदि हम मस्जिद परिक्षेत्र की बात कर लें तो उसके पक्ष में दीवार पर बने हुए अलग अलग अभिवृत्तियाँ, अलग अलग धार्मिक चिन्ह और अलग अलग तरीके के बने हुए नक्काशियाँ अपने आप में एक अलग सवाल खड़ा कर रही हैं। इसके साथ ही साथ इन दिनों मस्जिद परिसर में जो शिवलिंग निकलने का दावा किया जा रहा है, उसकी अपनी अलग कहानी है। ऐसे में अभी हम आ पहुँचे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर अनुराधा जी के पास। यहाँ हम इनसे ये बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इसकी सच्चाई है, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने काशी, इसके इतिहास और संस्कृति पर शोध किया है, तो निश्चित तौर पर उन्हें काशी की संस्कृति और इतिहास के बारे में बारीकी से जानकारी होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। तमाम तरीके की चीजें आ रही हैं, कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, क्या इसकी सच्चाई है? लेकिन उसके पहले हम ज्ञानवापी के इतिहास को समझना चाहेंगे। देखिए, ज्ञानवापी के इतिहास के संदर्भ में हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि इसके लिए जो हमारे पास सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत मिलता है वह स्कंद पुराण का काशी खंड का पूर्वार्ध भाग। उसमें तमाम कथानक के माध्यम से हमें ज्ञानवापी के संदर्भ में बहुत सारे कथानक मिलते हैं। ज्ञानवापी का जो प्राचीन नाम था वो ज्ञानोद था, वही नाम आगे चल कर के ज्ञानवापी हुआ। और ज्ञानवापी, जैसा कि उसका शाब्दिक अर्थ है कि वापी का मतलब कुआं, ज्ञान का कुआं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ज्ञानवापी है, हमें उसे ज्ञानवापी परिच्छेद के रूप में समझना चाहिए, उस परिसर के रूप में समझना चाहिए कि वो उस परिसर का निर्माण कब हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि यदि हम देखें तो राजा मालकेत और उनकी रानी कलावती दोनों ही यहाँ काशी आते हैं दर्शन करने के लिए। और जल का शिव का जो जल रूपी स्वरूप, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है पुराणों में शिव के जो 8 स्वरूप बताए गए हैं उसमें से एक स्वरूप जो है उनका जल स्वरूप है, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि जो ज्ञानवापी है वो शिव का जल स्वरूप है और ज्ञान वर्धन करने वाला स्थल है। बाद में हम ईशान रुद्र के माध्यम से भी देखते हैं, उनका भी मानना है कि ईशान कोण के जो स्वामी हैं वो ईशान रुद्र को हम मानते हैं। उनकी इच्छा होती है कि वो काशी में जा कर के शिव का दर्शन करें और पूजा अर्चना करें। उसमें वो पाते हैं कि जब वो यहाँ आते हैं तो एक ज्योतिर्मय विशाल शिवलिंग का दर्शन करते हैं वो, और देखते हैं कि तमाम ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी अपने अपने तरीके से साधना कर रहे होते हैं उस ज्योतिर्मय शिवलिंग का। तो इनके अंदर भी एक इच्छा जागृत होती है कि क्यों न हम इस महाशिवलिंग पे शीतल जल से इनका अभिषेक करें। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल के माध्यम से वहीं पे जो विशेश्वर है उसके दक्षिण में एक जल स्रोत का निर्माण करते हैं जहाँ से शीतल जल निकलता है। और ऐसा माना जाता था कि वो शीतल जल जो है संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, अमृतमय और शीतलता प्रदान करने वाला। आप उस स्रोत की बात कर रही है, क्या वही स्रोत आज ज्ञानवापी कुएं के रूप में जाना जाता है? आप देखिए, इस तरीके से आप इसको आप समझ सकते हैं कि जो ये पुराणों की एक परंपरा होती है, पुराण किसी एक समय में लिखी हुई चीज़ नहीं होती है, एक लंबे समय में इसका संकलन किया जाता है। तो हम आज स्कंद पुराण की बात कर रहे हैं तो किसी एक दिन में लिखा हुआ संकलन नहीं है, वो उसका एक काफ़ी एक लंबी परंपरा है। तो जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र है उसमें आप देखेंगे कि कुंड है, कुआं है, साथ में अभी जिस मंदिर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ऐसा मानते हैं कि जो अविमुक्तेश्वर मंदिर, जो सबसे प्राचीन, जिसे कि औरंगजेब ने तोड़ा, जिसके बारे में हमारे पास तमाम ऐसे रेफरेंसेस भी मिलते हैं, औरंगजेब के खुद के फरमान भी ऐसे हैं जिससे ये सीधे स्पष्ट हो रहा है, और हमारे पास तमाम आर्कियोलॉजिकल स्रोत भी हैं कि मस्जिद का जो पिछला दीवाल है जिसमें मस्जिद एक तरह से टिकी हुई है, वह गढ़वाल कालीन मंदिर स्थापत्य का जीता जागता परिणाम प्रमाण है। जी, गढ़वाल सभ्यता की बात की तो क्या ये इस्लाम धर्म के उदय के पहले की सभ्यता? बहुत पहले की बात है। गढ़वालों का शासन, गढ़वाल और कलचुरी दोनों ही राजवंशों का
काशी जो है सांस्कृतिक नगरी थी और गढ़वालों ने बड़े ही बहुत सारे शिव मंदिर का निर्माण कराया। हम इसके लिए हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि गढ़वाल कालीन एक शिव मंदिर जो कि कंदवा में अभी भी है, तो हम आप देख सकते हैं अब वहाँ गढ़वाल कालीन स्थापत्य। लेकिन देखिए काशी में जो शिव मंदिर था वो बहुत सारे विध्वंस किए गए, तोड़े गए, इसके तमाम प्रमाण हमारे पास हैं। तो हम इस संदर्भ में आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो अमुक्तेश्वर है वह उसका प्रमाण जो है वो राजघाट में जो गुप्तकालीन मुहरें प्राप्त हुई हैं उसमें उन मुहरों पे अमुक्तेश्वर मिलता है, जिसका अर्थ ही है कि काशी को कभी, काशी से बाहर कभी शिव नहीं गए, उसको उसने उनको इतना प्रिय है काशी कि वो उसको कभी मुक्त नहीं किए। जो पश्चिमी दीवार की बात हो गई, धार्मिक चिन्हों की बात हो गई, ऐसे में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसको कहा जा रहा है कि शिवलिंग है, हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा कह रहा है। तो इस तरीके के फव्वारों का जो है इतिहास में कोई वर्णन है, और जो शिवलिंग का इसे आकार कहा जा रहा है, क्या यह शिवलिंग हो सकता है? देखिए हमारा तो ये मानना है कि जो शिवलिंग मिला है तो वो विशाल का है, जैसा कि 12 फीट 8 इंच उसकी लंबाई है, और जो हमें पुराणों में संदर्भ मिलता है शिव का, शिवलिंग का, वो भी महालिंग कहा गया है, महाशिवलिंग जिसकी आराधना की बात की जा रही है ईशान के द्वारा। और जब वो बताते हैं कि जैसे वो सहस्रों बार शीतल जल उनके पर अभिषेक करते हैं महाशिवलिंग पर, तो शिव जो है प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप वर मांगो, तो वहाँ पे ईशान क्या वर मांग रहे हैं कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो यह जो अनुपम स्थल है, ये पवित्र स्थल जो है, वह आपके नाम से इस सृष्टि में फेमस हो, प्रसिद्ध हो। तो वहाँ पे शिव इस बात का वहाँ पे कथानक मिलता है कि शिव ये वरदान देते हैं कि जो यह पवित्र स्थल है, यह ज्ञानोद पवित्र स्थल के नाम से, यह तीर्थ स्थल के नाम से समस्त लोक में जाना जाएगा। इसीलिए ज्ञानवापी को ज्ञानोद, यही ज्ञानोद आगे चल करके ज्ञानवापी बना। अच्छा, आप इसको बहुत संकीर्णता के साथ नहीं देखना चाहिए कि वो वापी है, वही कुआं है, ऐसा नहीं। ये संपूर्ण पूरा परिक्रमा तीर्थ स्थल था, यह एक तीर्थ स्थल है। अच्छा। आप यदि आप देखेंगे तो हम तो मानते हैं कि इसकी एंटीक्विटी जो है, इसकी प्राचीनता तो है, वह गुप्तकालीन से भी पहले की है, काफ़ी प्राचीन जाएगी। ये हम मानते हैं कि इतिहास में हम बिना तथ्यों के, बिना स्रोत के हम इतिहास नहीं कह सकते, लेकिन जब तक कि हमारे पास तथ्य नहीं है तब तक। हाँ, लेकिन इस तरीके के शिवलिंग हुआ करते थे। महाशिवलिंग की चर्चा तो पुराणों में तमाम जगह की गई है। इसके लिए हमारे हिस्ट्री में इस तरीके के फव्वारों की संरचना, ऐसे किसी भी फव्वारे की का साक्ष्य नहीं मिला है। जिस समय हम बात कहते हैं ना ज्ञानवापी परिक्षेत्र का विकास हो रहा है, उस तरीके के फव्वारे हमारे किसी भी धार्मिक तीर्थ स्थल पे, खासकर काशी के संदर्भ में नहीं है। जी, आपने चूंकि किताब भी लिखी है काशी के इतिहास और संस्कृति को लेकर के, तो एक सवाल ये भी बनता है कि उस समय इस तरीके के लिंग यानी शिवलिंग मिला करते थे? शिवलिंग तो मिलते ही है काशी में, तो महाशिवलिंग की तमाम जगह चर्चा है। तो हमारे बहुत सारे पुराण महाशिवलिंग की कल्पना करते, अरे मतलब चर्चा करते हैं, तो उसमें इतना बड़ा, आज आप देख लीजिए मार्कंडे महादेव या फिर यहाँ पे काशी में विशेश्वर गंज में जो शिवलिंग है वो काफ़ी बड़े हैं। देखिए धीरे धीरे शिवलिंग का जो साइज है वो कम होता गया, छोटा होता गया। आखिरी सवाल ये बनता है कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? 7वीं शताब्दी में होता है। और ज्ञानवापी जो परिक्षेत्र नजर आता है वो कब से, वो पहले दूसरी शताब्दी? हाँ बिल्कुल जाते हैं, उससे भी पहले हम जा सकते हैं, क्योंकि ये इस, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए हमें वहाँ पे एक छोटा सा उत्खनन करा लेना चाहिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी जिसे देख के स्पष्ट है कि यह शैव धर्म से संबंधित कोई तीर्थ स्थल है और सबसे प्राचीन है। क्योंकि देखिए बनारस की जो सबसे प्राचीनता है वो वर्णा नदी के किनारे जाती है, वैदिक संस्कृति की अक्ता साइट, जिसे प्रोफेसर विदला जायसवाल जी ने जिसका उत्खनन कराया। लेकिन जब हम आते हैं इधर शैव धर्म की तरफ, जहाँ से हमें साक्ष्य मिलने लगते हैं शैव संप्रदाय से संबंधित, उस वो गढ़वाल कालीन है। देखिए तमाम कयास लगाए जा रहे हैं,
दोनों पक्ष अपनी अलग अलग बातें रख रहे हैं और इन्हीं के बीच हम इतिहासकारों के मध्य आए थे ये समझने के लिए कि आखिर ज्ञानवापी का इतिहास क्या है, कब उसका स्थापत्य होता है, कब वो स्थापित किया गया है, उसको किस तरीके से डेवलप किया गया है। जहाँ आपने इनकी तमाम बातों को सुना, ये कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी का जो परिक्षेत्र है उसका जो निर्माण हुआ है वो उभरा है तकरीबन वो एक या दो शताब्दी उसके भी पहले माना जाता है, जबकि इस्लाम धर्म का जो उदय होता है वो 7वीं-8वीं शताब्दी के मध्य होता है या उसके बाद से माना जाता है। बहरहाल ये सर्वे की रिपोर्ट बताएगी और तमाम चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से वहाँ का इतिहास क्या है, लेकिन इनका ये कहना है कि इसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को देना चाहिए, इस पर एक सर्वे कराना चाहिए ताकि वाकई इसकी सच्चाई समझ में आए। लेकिन जो तस्वीरें जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर इस बात का संदेश दे रहे हैं, इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये निश्चित तौर पर शैव संप्रदाय से जुड़े हुए तथ्य हैं और ये उसका इतिहास है। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें क्या कुछ होता है। प्रथमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।